हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अफगानी पैंट की कटिंग लेके आई हूँ। अफगानी पैंट आज हम मियानी वाला बनाने वाले हैं और उसमें हम आगे से नड़े वाला बनाएंगे। आगे से हम नड़ा डालेंगे और पीछे से इलास्टिक डालेंगे। क्योंकि ये पैंट हैवी साइज़ की महिला के लिए है, क्योंकि हैवी साइज़ की जो महिलाएं होती हैं उन्हें फुल इलास्टिक पैंट पहनने में दिक्कत होती है। तो इस पैंट को मैंने आगे से नेफे वाला और पीछे से इलास्टिक वाला बनाया हुआ है, जो कि पहन हैवी साइज़ की महिलाओं के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। तो ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है, ये देखिए इस तरीके से। इसकी ये बंद साइड हम नीचे की ओर कर लेंगे और ये खुली साइड को हम ऊपर की ओर ले लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा फोर फोल्ड में हो गया। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो इसे हमने कट कर लेंगे। अब यहाँ से भी हमारा कपड़ा काफी ये कम ज्यादा है, इसे भी हमें बराबर कर लेना है। तो ये कपड़ा हमने फोर फोल्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ से हमने इसकी जो चौड़ाई रखनी है, टोटल इसकी जो चौड़ाई है 20.5 इंच है। 20.5 इंच में हम यहाँ पर से 2.5 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे, बाकी कपड़ा हम पूरा लेंगे। 2.5 इंच हमने अंदर की ओर निशान लगाया। अब यहाँ से हम रखेंगे इसका आसन। आसन हम रखेंगे अपने हिप के अकॉर्डिंग। हिप हमारी यहाँ पर 46 इंच की हमारी हिप है, तो उसका फोर्थ भाग आता है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच में हम 2.5 इंच ऐड करेंगे। तो 11.5 में हम 2.5 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 14 इंच। तो 14 इंच हम इसका आसन रखेंगे। तो ये हो गया हमारा आसन। अब हम रखेंगे लंबाई। लंबाई हमने कितनी रखनी है? तो टोटल इसकी जो लंबाई है हमारी 39 इंच है। तो यहाँ पर 1.5 इंच की तो हमारी यहाँ पर आगे से हम बेल्ट वाला बना रहे हैं, पीछे हम इलास्टिक वाला 1.5 इंच हमने ऊपर छोड़ देना है इलास्टिक वाले। तो टोटल हमने रखना है इसे 38 इंच पर निशान लगा दें। 38 इंच पर टोटल हमारी जो लंबाई है 39 इंच है। तो यहाँ पर हमारी 2 इंच की यहाँ पर करीबन 2 इंच की यहाँ पर हम नीचे से पौचे में पट्टी लगाएंगे। तो वो तो यहाँ पर हम 38 इंच इसकी लंबाई रख रहे हैं। 1 इंच टोटल हमने 37 इंच रखनी थी, क्योंकि 2 इंच की हमारी पट्टी है, लेकिन यहाँ पर हमने 38 इंच क्यों रखी है? क्योंकि पट्टी जोड़ते समय 1/2 इंच कपड़ा यहाँ से कटेगा, दबेगा, और 1/2 इंच ऊपर इलास्टिक जोड़ते समय। तो यहाँ पर अभी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रख लिया। तो टोटल हमने 38 इंच यहाँ पर रख लिया। इस निशान को भी हमने सीधा कर दिया।
अब हम यहाँ पर हमें जो पोंछा चाहिए वो 7 इंच का चाहिए, तो टोटल हम इसे 18 इंच रख लेंगे। 11 इंच एक्स्ट्रा चुन्नट के लिए रखा हुआ है। अब हमने इस निशान को यहाँ से मिला लेना। तो ये तो हो गया हमारा पैंट, इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है। तो ये हमारी होगी पैंट की कटिंग। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए कपड़े को कट करना है। फ्रंट पीछे साइड को तो हम इलास्टिक डालेंगे, लेकिन फ्रंट की ओर हम 22 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बेल्ट है हमारी 44 इंच है, तो फ्रंट की ओर हमने 22 इंच रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 इंच यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा लिया है ये बेल्ट के लिए। ये कपड़ा यहाँ से हमारा फोल्ड है, ये डबल में है, तो यहाँ पर से हमने 2 इंच काट लिया। तो ये हमारी बेल्ट हो गई, ये देखिए इस तरीके से। इसकी टोटल चौड़ाई 21 इंच है। और यहाँ भी हम अपना देख, ये टोटल हमारा 18 इंच का है। तो इस बेल्ट में हमने जोड़ और लगाना पड़ेगा। फ्रंट की ओर अगर हम 22 इंच की, 22 इंच से हम थोड़ा 4 इंच या 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो बेल्ट हमारी ये कम पड़ेगी, इसमें हम और जोड़ लगाएंगे। तो ये तो हमारी बेल्ट हो गई। अब हम इसमें ये जो हम सलवार बना रहे हैं अफगानी सलवार, इसमें अब हम आज म्यानी भी लगाएंगे। तो म्यानी लगाने के, म्यानी बनाने के लिए हमने ये कपड़ा है हमारे पास, इसे हमने इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो ये डबल हो गया। अब ये डबल हो गया तो इसमें 2 म्यानियाँ निकल जाएंगी। तो इसकी टोटल जो चौड़ाई है 6.5 इंच है और लंबाई में ये 10 इंच है, काफ़ी है कपड़ा। इसे हम इस तरीके से फोर फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने फोर फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई हम रखेंगे 8.5 इंच। अब यहाँ से हमने इसकी नोक बनाते हुए
इस तरीके से ऐसा शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर नीचे हमने आधा इंच ऊपर को निशान लगाना है और यहाँ से हमने इस तरीके से इसको हल्का हल्का राउंड करके ऐसे मिला लेना है। तो अब हम इसे खोलेंगे तो कोई इस तरह का दिखेगा। ये जो नीचे वाला शेप होता है इसको हमने एकदम सीधा नहीं रखना होता है, यहाँ से इस तरीके से राउंड होना चाहिए। तो ये तो होगी म्यानी की कटिंग। तो अब हम इसमें म्यानी की भी हमने कट कर दिया, बेल्ट भी हमने कट कर दिया है। अब हम नीचे मोहरी के लिए कट करेंगे। मोहरी में लगाने के लिए हमें 2 इंच की पट्टी चाहिए। तो टोटल हम इसे 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें दोनों पोंचों के लिए हमारा निकल जाएगा। तो इसे हमने 2.5 इंच लेना था तो टोटल हम यहाँ पर ये सिंगल में हमने डबल नहीं किया तो 5 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे। 5 इंच यहाँ से, 5 इंच यहाँ से। अब जो मोहरी हमें चाहिए 7 इंच की चाहिए तो टोटल हम इसकी चौड़ाई 8 इंच लेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हो गई हमारी नीचे की मोहरी। तो फ्रेंड्स तो इस तरीके से कटिंग पूरी हो गई। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग की ओर सबसे पहले हमने इसमें से 2 पीस ये हमारे हैं, इसमें से 1 पीस को हम निकाल लेंगे। अब इस पीस में हम दोनों ओर से म्यानी को सबसे पहले लगाएंगे। म्यानी को किस प्रकार लगाएंगे आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने म्यानी को आसन के नीचे साइड से लगाना शुरू किया है। दोनों को बराबर रखते हुए यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार से सिल लेना है। एक सिलाई हम इसमें अंदर से लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने इसे देखिए इस तरीके से पलटा लेना है। इस तरीके से पलटाने के बाद एक सिलाई अब हम इसमें ऊपर से भी लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें ऊपर से सिलाई लगा ली है। तो अब हम दूसरी ओर भी इसी तरह से म्यानी को लगा लेंगे। तो देखिए दूसरी ओर भी हमने नीचे की ओर से लगाना है। इस तरह से हमने दोनों को बराबर रखते हुए, मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी विस्तार से दिखाया हुआ है स्टिचिंग भी। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें स्टिचिंग करने में भी कहीं पर समझ में नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पर स्टिचिंग भी बड़े विस्तार से दिखाई है। तो अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है जो ये कपड़ा है सिल, जो अंदर से जो कपड़ा है म्यानी की साइड को करना है, इसे इधर साइड को नहीं करना है। जिधर को मैंने अभी किया हुआ है इसे म्यानी की साइड को करना है, फिर इसमें से ऊपर में सिलाई लगानी है। क्योंकि जब दूसरी ओर का हम दूसरा पार्ट इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आसानी होती है, कपड़ा सीधा रहता है। तो अब हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, सीधी साइड को अंदर की ओर करेंगे और उल्टी साइड को बाहर की ओर करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा उसमें हमने बेल्ट के लिए बनाना है। बेल्ट हम इसमें टोटल 22 इंच का हम इसमें बेल्ट रख रहे हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। तो 22 इंच का हमने रखा, इसे हमने डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से 2 बराबर हिस्सों में कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने यहाँ पर
अब इसमें हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे थोड़े में, फिर सिलाई को हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर से हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर से एक इंच की दूराई तक हम इसे छोड़ देंगे, फिर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो बीच में हमने इसमें हुल रखना है जिससे हम अपना नेफे को डालेंगे। तो ये यहाँ पर हमने इस तरीके से नेफा बनाना है। तो अब इसमें भी हम इसे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हमने बीच में एक हुल बना दिया है। तो इस तरीके से ये हमारी बेल्ट आएगी आगे फ्रंट की ओर और बीच में इसके हुल रहेगा। तो अब हमने तो इसमें एक तरफ से आसन को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों तरफ के आसनों को इस तरह से बराबर मिलाते हुए जोड़ लेना है। तो अब हमने यहाँ पर एक सिलाई इसमें ऊपर से भी लगा देनी है इसे पक्का करने के लिए। तो इस तरह से हमने एक तरफ का आसन जोड़ लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ की आसन को भी जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ के आसन हमने जोड़ लिए हैं। अब इसमें भी हम एक सिलाई अंदर से पक्का करने के लिए लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ के आसन हमने जोड़ लिए हैं। अब हमने दोनों सेंटरों को आपस में मिला लेना है और यहाँ साइड में कट लगा लेना है। फ्रंट और बैक का पार्ट अलग अलग हो जाएगा। कट लगाने के बाद फ्रंट और बैक अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हल्की हल्की चुन्नटें डाल देनी है। तीन चुन्नट आसन के एक तरफ और तीन चुन्नट आसन के दोनों साइड से तीन तीन चुन्नट हमने डाल ली है। जो हमने आगे की बेल्ट बनानी है वो 22 इंच की बनानी है क्योंकि हमारी बेल्ट 44 इंच की है। तो 22 इंच की हमने बेल्ट बनानी है। तो चुन्नट डाल के हम जो बेल्ट कपड़ा है सलवार का उसे 22 इंच का हम बना लेंगे। और पीछे साइड भी हमने दो दो चुन्नट डाल ली हैं क्योंकि कपड़ा काफ़ी है।
इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब हमने जो फ्रंट की बेल्ट तैयार करी थी 22 इंच की, उसे हमने इस तरीके से बराबर नाप लेना है फ्रंट की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर का हिस्सा है नेफे वाला, वो हमारे सेंटर में आना चाहिए। अब ये हमारे बैक पार्ट में हम लगाएंगे बेल्ट, इसमें हमारी इलास्टिक लगेगी। बैक पार्ट की ये पट्टी है, इसमें भी हमने इलास्टिक लगाना है। इसे भी हम नाप लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना हमें रख लेंगे, एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। तो पहले हमने फ्रंट पार्ट का बेल्ट लगाना है और इसमें हमने इस तरीके से नेफा पहले से तैयार करके रखा हुआ है, इसे हम इस तरीके से डबल करके लगाएंगे। नेफे को हमने बराबर दो टुकड़ों में कट कर लेना है और जो बीच में हमने होल बना रखा है उस होल से हमने इस तरीके से इसे डालना है और यहाँ पर इसे हमने सिल लेना है। साइड में इसे हमने इस तरीके से सिल लेना है। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी होल से हम इसे डालेंगे, जो बीच में हमने होल बना रखा है यहाँ से इसे डालते हुए साइड में लाके इसे भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने आगे वाले बेल्ट को रेडी कर लिया है नेफा डाल के। अब हमने इसे लगाना है, जो हमने साइड में कट लगाया था वहाँ से हमने इसे लगाना शुरू करना है। ये हमने किस तरह से लगाना है, उल्टी साइड से हम इसे लगाएंगे और सीधी साइड को पलट देंगे और जहाँ पर हमने कट लगाया वहाँ पर हम इसे आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ये देखिए इतना हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हम जो बैक पार्ट का है उसे ज्वाइंट करेंगे। इतना हमें ज्वाइंट करने के लिए छोड़ना है और पूरे बेल्ट को सिल लेना है। और जहाँ पर ये होल हमने बना रखा है, जहाँ पर से हमने नेफा डाला, वो हमारा सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने आधा इंच देखिए छोड़ लिया है, इसे हम बैक साइड में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने जोड़ लिया है। अब हम यहाँ से बैक पार्ट का भी जो पट्टी जोड़ लेंगे, इसमें हम लगाएंगे इलास्टिक। ये जो सलवार हम बना रहे हैं फ्रंट की ओर, हम इसमें बेल्ट लगा रहे हैं जिसमें हमने नड़ा भी डाला है और बैक साइड में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पहले फ्रंट और बैक दोनों को आपस में इस तरीके से सिल लेना है। तो देखिए इस तरीके से सिलने के बाद अब हम इसमें लगा लेंगे सिलाई। तो बैक पार्ट में भी हमने लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने फ्रंट और बैक की दोनों पट्टियों को इस तरह से आपस में सिल लेना है। तो अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड में लग चुका है। अब हमने इसे फ्रंट की ओर पलटा के, किस तरह से पलटाएंगे आपको वीडियो में दिख जाएगा। आगे आप वीडियो को वॉच जरूर करें पूरा। पहले हम बैक साइड में इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक हम यहाँ पर 44 इंच की हमारी बेल्ट थी, 44 का आधा 22 इंच होता है, 22 इंच में हमने 5 इंच कम करके इलास्टिक लगानी है बैक साइड में। तो यहाँ पर हम पहले इलास्टिक को अच्छे से सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से इलास्टिक को पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद हमने कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके
अब हमने यहाँ पर से सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई हमने किस हिसाब से लगानी है, जो हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे कपड़े में लगाएंगे, सिलाई हमारी इलास्टिक में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इलास्टिक में अगर सिलाई लग जाएगी तो इलास्टिक हमारे खींचेगी नहीं। तो इलास्टिक को हमने खींचना है, देखिए इस तरीके से आगे तक पहुंचाना है पूरे में। तो सिलाई से हम सिर्फ कपड़े में लगाएंगे इस तरीके से फोल्ड करके। तो इस तरीके से हमने इलास्टिक को भी खींचते जाना है। कपड़े को हमने बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जानी है। अब हमने फ्रंट की ओर भी इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी। तो फ्रंट की ओर भी बीच में हमने नेफे को डाला हुआ है, नेफे में सिलाई नहीं लगनी चाहिए क्योंकि नेफा हम आगे को खींचेंगे। ये जो अफ़गानी पैंट है, पहले भी मैंने अफ़गानी पैंट की काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, लेकिन ये जो अफ़गानी पैंट है इसमें मैंने फ्रंट की ओर पैंट लगाई है, उसमें नड़ा भी डाला है और पीछे साइड को इलास्टिक डाला है, क्योंकि जो हैवी साइज की महिलाएं होती हैं उन्हें फुल इलास्टिक में थोड़ा दिक्कत आती है, तो मैंने इस तरीके से इसे बना रखा है। तो आप भी जब फुल साइज़ में बनाते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं, जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल हो। अब पीछे साइड का जो इलास्टिक है उसमें भी मैंने इस तरीके से कपड़े को बराबर खींच लेना है पहले, फिर उसके बाद इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड बना लिया है। फ्रंट में हम नड़े को इस तरीके से खींच भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का अफगानी पैंट तैयार किया है। अब नीचे साइड को हमने पोंचे में चुन्नट डालनी है। चुन्नट हमने टोटल 15 इंच का हमने पोंचा तैयार करना है। चुन्नट डाल के एक तरफ की चुन्नट मैंने डाल दी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैंने आपको फुल वॉच नहीं कराया, जहाँ पर चुन्नट ही तो डालनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने चुन्नट डाली है। दूसरे पोंचे में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें जो आप चुन्नट डालते हैं बिल्कुल बराबर की दूराई में डालें, ताकि इसका जो लुक है वो अच्छा आए। अगर आप चुन्नट छोटे बड़े डाल देंगे तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। इसका इसमें जो चुन्नटें हैं वो बिल्कुल बराबर डालनी है। तो इस तरीके से हमने बराबर चुन्नटें पूरे में डाल ली है और टोटल हमने पोंचा 15 इंच का रखा बना दिया है। तो इसमें हमने 7 इंच का पोंचा रखना है, आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। तो अब हम इसमें लेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेस का इस्तेमाल करने से इसका जो लुक है वो और भी अच्छा लगता है। आप भी इस तरीके से लेस इस्तेमाल करके बना सकती हैं। पहले मैंने नीचे से पट्टी पोंचे वाली लगा ली है इसमें। पट्टी को मैंने उल्टी साइड से लगाया है और इसे हम सीधी साइड की ओर पलटाएंगे। तो देखिए उल्टी साइड से लगा के हमने इसे सीधे साइड को पलटाना है। पहले हम इसमें लेस लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले लेस लगा ली है। अब हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके
इस तरीके से इसको 2 इंच हमने रखनी थी नीचे पहुँचे वाली पट्टी, तो एक सिलाई हम इसमें ऊपर से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो अफगानी पैंट है वो लगभग पूरा फिनिश हो गया है। इस वीडियो में मैंने आपको अफगानी पैंट की जो सिलाई करी है वो फुल वॉच में दिखाई है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड करी थी लेकिन मैंने उसमें फुल वॉच नहीं करवाया था, वीडियो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थी, तो इस मैंने ये इसमें फुल वॉच कराया है ताकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें समझने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से एक तरफ का पोंचा हमने रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी उसी प्रकार से दूसरी तरफ का पोंचा भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये पट्टी हमने तैयार कर रखी है, इसे हमने उल्टी साइड से लगाया और सीधी साइड को पलटाना है। तो इसमें भी हमने अब इसके बाद लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने दूसरा पोंचा भी रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा दोनों पोंचे रेडी हो गए हैं। अब हमने लास्ट वाली सिलाई लगानी है जो साइड की सिलाई होती है। तो देखिए अब हमने इसमें पहले आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हम इसने इसमें ये देखिए हमने लास्ट वाली सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमारा जो अफगानी पैंट है वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको यूज़फुल लगती है, तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा पैंट में स्टिच हो चुका है। आप इसमें डबल सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल लुक है पैंट का। आगे से हमने नेपी वाला बनाया है और पीछे से इलास्टिक डाली है। काफ़ी सुंदर सा लुक आ रहा है इसमें। और पहनने ये हैवी साइज़ की महिलाओं के लिए है जो कि पहनने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। फुल इलास्टिक में हैवी साइज़ महिलाओं को पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें आगे साइड को इस तरीके से नेपी वाला बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।